मोमडन जो तुम्हारे वर्कर है इन्हें आप जनसे मेरे हिसाब से तो गलत ही है जी। लेकिन हम 15-20 दिन घर पर ठाली रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता भाई कौन सी चौकी थी, लेकिन पुलिस वाले थे। मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं कांवड़ मेले के दौरान, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों और दुकानों पर प्रोपराइटर के नाम लिखने के, अब उसी को लेकर के एक नई बात और सामने आई है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर 4 मुस्लिम लोग काम करते थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा कहने पर यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही और कौन लोग इनके पास आए थे जिन्होंने उन लोगों को हटाने के लिए कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश भारती है, साक्षी टूरिस्ट ढाबे का ओनर हूँ मैं। कहाँ पड़ता है ये? NH 58 बाईपास कटौती। आपके पास जो पुलिस वाले आए थे, क्या उन लोगों ने आपसे कहा है, उसके बाद आपने क्या किया है? उन्होंने कहा जरा ये जो आप पहले तो ये यहाँ से 6x4 का एक प्रोपराइटर का बोर्ड लगाए थे, दो जगह लगाएंगे, एक जगह लगा चुके हैं, अभी दूसरी जगह लगाना बाकी रहेगा, और इनकी सभी की आईडी और पहचान पत्र ये ले गए, उन्हें सलून लग्न करके एक जगह रख लो, और तुम्हारा इन्हें जो ये कहना में ये हैं कौन मोमडन जो तुम्हारे वर्कर है, इन्हें आप जनसे नहीं रखेंगे। कितने लोग थे जिन्हें आपने हटाया अपने होटल? उनके वे 4 थे जी। कौन, नाम क्या? एक मुंशी जी थे, एक शफकत अली, एक वकार और एक राजू लड़का था, मोमडन ही था। कौन सी वो पुलिस थी, कौन से थाने की, कौन सी चौकी की जो आपके पास आई थी और जिसने उन लड़कों को यहाँ से हटाने की बात की? इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता भाई कौन सी चौकी थी, लेकिन पुलिस वाले थे। क्या कहेंगे कि इस तरीके से लड़कों को काम करते हुए हटाए जाना और ये बोर्ड लगाए जाना, कितना सही है कितना गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत ही है जी। लेकिन हम 15-20 दिन घर पर ठाली रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? तो उनके भरण पोषण का परेशानी तो आएगी ना, तो ये है। तो सुना आपने, अभी तक हम लोगों के सामने जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि ढाबों पर, होटलों पर, कांवड़ मार्ग पर जो पड़ने वाले हैं उन पर बोर्ड लगेगा और मालिक का नाम लिखा जाएगा, लेकिन अब ये एक नई बात सामने आई है। साक्षी ढाबे पर से जो 4 मुस्लिम लोग काम करने वालों को यहाँ से हटवाया गया है, इनका कहना है साफ तौर पर कि पुलिस वाले इनके पास आए थे जिन्होंने ये करने के लिए कहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन से थाने या चौकी से पुलिस वाले थे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि काम करते हुए किसी समाज के लोग को कांवड़ मेले के दौरान हटाया जाए। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।